नमस्कार, मैं मनोज पायल गणेशम इंटीरियो में आपका स्वागत करता हूं। गणेशम इंटीरियो जयपुर झुंझुनू बाईपास तिराहे पे 12,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ एक शानदार फर्नीचर शोरूम है। हमारे यहां पे ब्याह शादी से लेकर के प्रीमियम सेगमेंट का फर्नीचर है। हम लोग ऑफिस में एक्सक्लूसिव फर्नीचर, इसके अलावा स्लीप वेल मैट्रेस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सोफ़ा हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ जितनी वाइड रेंज है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे कौन कौन से फर्नीचर अवेलेबल है। गणेशम इंटीरियो का यह ग्राउंड फ्लोर है और इसके दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट के अंदर यह स्लीपेल वर्ल्ड है और सेकेंड जो सेगमेंट है इसके अंदर आपको फर्नीचर में ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और कुछ एसेसरीज जो होम डेकोर फर्नीचर के लिए वो मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास में डाइनिंग्स के अंदर दो तरह की क्वालिटी है, एक है इम्पोर्टेड और एक है इंडियन। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेड डाइनिंग टेबल दिखाना चाहूँगा। ये हमारी जो डाइनिंग टेबल है इसके अंदर जो स्टोन है, इसका जो टॉप है वो स्टोन का है और ये हैंडमेड स्टोन होता है। ये कहीं से निकलता नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से ये स्टोन बनाया जाता है। अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी जो अपना नेचुरल स्टोन होता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। इसी के साथ में डाइनिंग टेबल है, इसका मैं बेस आपको दिखाना चाहूँगा। बेस जो है वो क्रोम प्लेट का बना हुआ है, ये गोल्डन कलर के अंदर है और वन इसका जो मेटल है ये वन प्लेट के साथ में विदाउट बेल्डिंग के, इसको कहीं से बेल्ड नहीं किया गया। यह सिक्स सीटर है, इसके अंदर आपको छः चेयर मिलेंगी। चेयर जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ, यह जो चेयर है ये कम्प्लीटली आपका वेलवेट के साथ में बनी हुई है और इसमें 32 डेंसिटी का फॉर्म लगा हुआ है। इसकी जो लेग हैं वो आपको वुड के अंदर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट के अंदर, फिर नेक्स्ट एक डाइनिंग टेबल, यह भी इम्पोर्टेड है। इसके अंदर आपको लाइट पिंक कलर की चेयर अवेलेबल होंगी और वाइट मार्बल का जो शेड होता है उस शेड के अंदर आपको इसका टॉप मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये जो हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेड टेबल है ये भी हैंडमेड आपका टॉप बना हुआ है स्टोन का और इसके अंदर कुछ गोल्ड प्लेटेड वर्क किया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, ये आप इसके ऊपर हाथ लगा के जब चेक करते तो ये आपको महसूस नहीं होगा, जबकि ये गोल्ड प्लेटेड इसके अंदर इनबिल्ट फिट की हुई है। इस ये भी छः सीटर है। इसकी जो चेयर है, चेयर के ऊपर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की पॉलिशिंग है। इस पॉलिशिंग के अंदर से इस पॉलिश को पॉलिस्टर पॉलिश बोलते हैं। मैं इसका एक बार बैक आपको दिखाऊंगा, ये इसका बैक है, इसमें भी वही गोल्ड प्लेटेड वर्क है और इसके ऊपर वही आपका पॉलिश हुई है जिसको हम लेदर पॉलिश बोलते हैं। लेदर पॉलिश बहुत ही नई चीज़ है जिसको अभी कुछ समय पहले से ही लोगों के द्वारा यूज की जाती है। उसके बीच में मैं आपको एक डाइनिंग टेबल दिखाऊंगा, ये इंडियन डाइनिंग टेबल है। इस पे ओरिजिनल नेचुरल स्टोन से बनी हुई है ये और इसकी जो चेयर है वो वुड की बनी हुई है, कंप्लीट वुड है। चाहे वो आप ऊपर देख लिए या फिर आप नीचे देखिए या ये लेग जितना भी है कंप्लीट इसमें वुड का काम हुआ है। इसी के साथ में बीच बीच में जितने भी आप हमारे यहाँ पे रखे हुए फ्लावर पॉट्स देख रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इस फ्लावर पॉट की बात करूँ तो ये भी हमारे गणेशम इंटीरियो का एक पार्ट है। आप अपने होम डेकोर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपका पॉट हो गया, फ्लावर्स हो गए, इसके अलावा आपकी आज के टाइम पे जो मेटल की वॉल डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैं आपको आगे आगे जैसे अपन चलेंगे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। उसके बाद में आ जाइए, फिर आपको एक बहुत बढ़िया सी मैं आप डाइनिंग टेबल दिखाना चाहूँगा जो सिक्स सीटर है और कम्प्लीट वुड की बनी हुई है। ये कम्प्लीट वुड की है और इसके ऊपर सीसम स्टाइल पॉलिश की हुई है। इस ये जो डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर हमारे यहाँ लेकर्ड ग्लास है, ये जो इसका टॉप है ये लेकर्ड ग्लास है। ये काफ़ी ड्यूरेबिलिटी इनकी आती है, कभी ये ख़राब नहीं होता है, इस पे इतने जल्दी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते क्योंकि ये टफन ग्लास के साथ में लेकर्ड किया हुआ होता है। उसके बाद में आ जाइए, मैं आपको नेक्स्ट डाइनिंग के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारी डाइनिंग टेबल है ये कम्प्लीट सीसम की बनी हुई है। सीसम के बारे में हमारे शेखावाटी के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आज के टाइम पे हमने एक चीज़ ये देखी है कि सीसम से बना हुआ जो फर्नीचर है वो लोग बाग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली NCR में जाएंगे या फिर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ के लोग शेखावाटी का बना हुआ ये जो सीसम का फर्नीचर इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके ऊपर अगेन आपका जो टॉप है वो हैंडमेड स्टोन का है,
और इसका बाकी का जो बेस है वो कंप्लीट शीशम का बना हुआ है। उसके साथ में मैं आपको एक कंप्लीट शीशम की बनी हुई एक डाइनिंग टेबल और दिखाना चाहूँगा। ये 4 सीटर है, ये 4 सीटर है और इसके ऊपर जो पॉलिश है वो मैट पॉलिश है। आपने इसके अंदर ज़्यादातर जो फर्नीचर आता है शीशम के अंदर वो 2 तरह का आता है, एक शीशम मैट फिनिश आता है, एक ग्लॉसी आता है। आपने ग्लॉसी बहुत ज़्यादा देखा होगा, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चीज़ है वो है मैट फिनिश। अगेन मैं आपको एक मॉडल और दिखाना चाहूँगा, ये आपका ग्लॉसी के अंदर आ गया शीशम का बना हुआ, एंड अगेन शीशम का 4 सीटर जिसके अंदर जो सीट है वो अंदर सेट हो जाती है। ये इस तरह से आप बाहर निकालिए, इसमें ये वही 32 डेंसिटी का आपका कुशनिंग के साथ में है और इसको आप बंद करके, ये एक ऐसी डाइनिंग टेबल है जो 4 सीटर है और बहुत कम स्पेस घेरती है। अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो एक टी टेबल के बराबर का जो स्पेस होता है उसके अंदर ये हमारी डाइनिंग टेबल सेट हो जाती है। उसी के साथ में मैं बीच में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास में कुछ चेयर है, ये बार चेयर है। आज के टाइम पे लोग बाग अपने जो नए बंगलो बनाते हैं उसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट बार के लिए ज़रूर रखते हैं। उस बार के अंदर उनको एक बहुत ही यूनिक सी चेयर की ज़रूरत होती है, तो अक्सर लोगों की हमारे पास में डिमांड रहती है कि सर बार चेयर को लेकर के, तो ये हमारी बार चेयर है। इसमें हमारे पास में 2-3 मॉडल और हैं, आप इनके देख सकते हैं, ये कम्प्लीट वुड की बनी हुई है, ये कम्प्लीट वुड की है। इसी के साथ में जो ये रखी हुई है, इसके साथ में नीचे का जो इसका पोर्शन है स्टील का बना हुआ है और ऊपर जो है ये कंप्लीट लेदर वर्क है। उसके बाद में मैं आपको इसी फ्लोर के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हमारे पास में यहाँ पे ड्रेसिंग्स अवेलेबल है। अब इन ड्रेसिंग के अंदर हमारे पास में 2 तरह की क्वालिटी है, एक तो है जो प्लाई के अंदर बनी हुई हमारी ड्रेसिंग्स है, ये कंप्लीट अंदर से भी आपको पेंट और पॉलिश मिलेगा और बाहर से आपका माइका का वर्क मिलेगा आपको इसके अंदर, और जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोरेज निकालने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद में आप जैसे कुछ एक और मॉडल्स इसके अंदर देख सकते हो, एक कैटेगरी सनमाइका की प्लस प्लाई की आ गई, एक कैटेगरी इसके अंदर आती है अगेन आपका शीशम वाला वुड। शीशम के वुड के अंदर भी बहुत अच्छी कारीगरी की गई है और इसी कारीगरी के साथ में ही मैं आपको इसका स्टोरेज दिखाना चाहूँगा। ये हमारे ड्रेसिंग का स्टोरेज है जिसमें एक फीमेल को जितनी आवश्यकता की चीज़ें होती वो लगभग इसमें बना करके दी गई है। इसी फ्लोर के ऊपर ये फर्नीचर की चीज़ों के साथ में हम लोग आपके कारपेट्स में भी डील करते हैं। हमारे पास में कारपेट में 2 क्वालिटी हैं, एक क्वालिटी है इंडियन कारपेट्स और एक क्वालिटी है हमारे पास में इम्पोर्टेड। ये हमारे पास में कारपेट की क्वालिटी एंड कलर्स, इसमें आपको काफ़ी सारी साइजें भी अवेलेबल हैं। आप बड़ी साइज चाहें, छोटी चाहें, मीडियम साइज़ की चाहिए, या फिर आपको बेड के पास में 2 फुट बाई 6 फुट का अगर चाहिए तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। ये इसमें बहुत सारे कलर हैं हमारे पास में। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्नीचर का हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास में एक महाराजा सोफ़ा रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर इस सोफ़ा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये हमारे बहुत ही डिमांडिंग सोफ़ा है। इसके अंदर हम आपको 7 सीटर 8 सीटर 9 सीटर जैसे आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर इतना स्पेस नहीं है और आप चाहते हो कि हमें सिर्फ 5 सीटर चाहिए, तो हम लोग आपको 3 एंड 2, वो 3 सीटर हो गया, ये 2 सीटर हो गया, हम आपको 5 सीटर भी अवेलेबल करा देंगे। इसी के साथ में यहाँ पे हमारे पास में एक टी टेबल है, वापस अगेन वही हैंडमेड स्टोन है, नीचे वुड है और उसके साथ में स्टोरेज है। स्टोरेज के लिए मैं आपको उस साइड में दिखाना चाहूँगा, ये इस तरह का इसमें स्टोरेज बना हुआ है। ये गणेशम का ग्राउंड फ्लोर का एक पोर्शन हो गया। और इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे स्लीप वेल के अंदर, देखिए स्लीप वेल एक ऐसी कंपनी है जिसको हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि जब आपने मैट्रेस गद्दे के बारे में सुना तो आपने स्लीप वेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। स्लीप वेल का वर्ड हमारे पास में है
वर्ड के अंदर नयापन ये है कि आप लोग कोई भी मैट्रेस खरीदते हो उसको पहले एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि जितने मैट्रेस हैं वो सारे हमारे यहाँ पे बेड पे लगे हुए हैं। स्लीपवेल के कंप्लीट रेंज के मैट्रेस आ गए, उसके बाद में आपके कंफर्ट्स आ गए, उसके बाद में आपका नेक्स्ट पिलो आ गया, कंबल आ गई, यानी जितनी भी चीज़ स्लीपवेल बनाता है वो सारा स्लीपवेल वर्ड के अंदर आपको अवेलेबल है। यह हमारे ग्राउंड फ्लोर पे स्लीपवेल वर्ड है। स्लीपवेल वर्ड में हमारे पास में मैट्रेस, पिलो, कंफर्टर और ब्लैंकेट्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँगा कि ये जो मैट्रेस है हमारा, इस मैट्रेस में क्या चीज़ लगी हुई है, किस प्रकार से ये बना हुआ है, अगर यह आपको देखना है तो इसका हमारे पास में एक सैंपल होता है। ये इसी मैट्रेस का एक सैंपल है, इसमें कितनी लेयर्स हैं, किस तरीके से उसको बनाया गया है, इसका स्टिचेस क्या है और यह किस एज के व्यक्ति के लिए सही रहेगा, ये सब चीज़ें स्लीपवेल वर्ड में आपके पास में है। अगेन ये हमारे पास में कंफर्टर है, इसका आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंफर्टर उन लोगों के लिए बना हुआ है जिन लोगों को थोड़ा सा वेट वाली चीज़ें कम पसंद होती हैं, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हमें भारी चीज़ ओढ़ने के बाद में थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आती है, उन लोगों के हिसाब से ये एक स्लीपवेल का कंफर्टर बना हुआ रहता है। इसके अलावा मैं आपको स्लीपवेल के कुछ पिलो भी दिखाना चाहूँगा। ये आपके स्लीपवेल के 32 डेंसिटी के बने हुए अच्छी क्वालिटी के पिलो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी रहते हैं और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अगेन हमारे पास में ये अलग कलर के कंफर्टर्स हैं, अलग क्वालिटी है, और ये थोड़ा सा डबल साइज़ का कंफर्टर है, विद कैरी बैग आता है इसके अंदर, और जैसा इस कैरी बैग का कलर है सेम एज इट इज़ इस कंफर्टर का कलर आता है। इसी के साथ में कुछ ब्लैंकेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लीपवेल के अलग अलग क्वालिटी के ब्लैंकेट्स हैं, जैसे ये डबल बेड आता है, ये किंग साइज आ गया, ये आपका सिंगल बेड आ गया, अगेन सिंगल बेड आ गया, और इसी के साथ में जो नीचे स्लीपवेल के अलग अलग क्वालिटी के मैट्रेसेस लगे हुए हैं, जैसे कुछ लग्जरी आते हैं, कुछ ऑर्थो कंफर्टर्स आते हैं, इसमें एक नेचुरल आता है, तो ये काफ़ी सारी वाइड रेंज है स्लीपवेल के अंदर। तो आप जब भी हमारे यहाँ शोरूम पे पधारें तो स्लीपवेल वर्ल्ड, हमारा फर्नीचर, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और उन चीज़ों की जो क्वालिटी है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ में बहुत अच्छी प्राइसिंग भी देते हैं। अब हम गणेशम इंटीरियर के सेकंड फ्लोर पे हैं, जहाँ पे आपको सोफ़ा और ऑफिस चेयर की कंप्लीट रेंज मिलेगी। आइए मैं आपको कुछ सोफ़ाज़ के बारे में बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास में एल शेप सोफ़ा है, ये बहुत ही बढ़िया कुशनिंग के साथ में आपको मिलता है, और इसके अंदर हम लोग जो ये कुशनिंग यूज़ करते हैं ये ब्रांडेड है, और इसके अलावा ये जो फैब्रिक काम में लिया जाता है ये भी ब्रांडेड होता है। इसके अलावा हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जो भी सोफ़ा है उसमें कौन सी डेंसिटी का कुशन डला हुआ है, कौन सी क्वालिटी, कौन सी कंपनी का आपका कवर यूज़ में लिया जा रहा है या फैब्रिक यूज़ में लिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक एल शेप सोफ़ा और दिखाना चाहूँगा, उसको हम स्वेट फैब्रिक बोलते हैं। ये लेदर भी नहीं होता है, रेगजिन भी नहीं होता, बट एक नए टाइप का क्लॉथ होता है। इसका जो बेनिफिट ये होता है कि जिन घरों के अंदर डस्ट की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप इस तरह के फैब्रिक का अगर सोफ़ा यूज़ करते हो तो आपको डस्ट से इसको क्लीन करना बहुत ही ईजी रहता है और डस्ट इसको पकड़ती नहीं है। इसमें हमारे पास में करीबन 5 से 7 कलर अवेलेबल हैं, और इसके बाद में आइए एक मैं आपको लेदर सोफ़ा दिखाना चाहूँगा। ये 3 सीटर हमारे पास सोफ़ा है, इसके अंदर हमारे पास में 3 सीटर, 6 सीटर और 9 सीटर, 3 टाइप के इसमें अवेलेबलिटी है। ये कंप्लीट जो सोफ़ा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेदर से बना हुआ है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो आपका लेदर होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, कटता फटता नहीं है। तो इसके अंदर भी आप हमारे पास में कई रेंज देख सकते हो। एक मैं इसके अलावा आपको एक लेदर सोफ़ा और दिखाना चाहूँगा, जो कि उस कोने में हमने लगाया है। इस सोफ़ा को आप लोग घर पे भी काम में ले सकते हो और ऑफिस में भी काम में ले सकते हो। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जिसको मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा, इसमें जो स्टिचेस काम में लिए गए हैं ये नायलॉन के धागे से बने हुए हैं। ये क्योंकि जनरली आपने कई बार देखा होगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक लेदर होने के बावजूद भी आपके स्टिचेज जो हैं वो कुछ सालों में टूट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हमने हमारे वेंडर्स जो इनको मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी कि आप लोग ये जो स्टिचेज हैं इनको आप जर्नल स्टिच नहीं लेकर के इसको आप सिंथेटिक या नायलॉन इस तरह के किसी फैब्रिक का लीजिए ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन रहे।
आइए इसके बाद में मैं आपको एक फैब्रिक और दिखाना चाहूँगा। ये भी हमारा एक लेदर सोफ़ा है, इसकी जो कुशनिंग है वो आपको 40 डेंसिटी की है। 40 डेंसिटी का जहाँ पे कुशनिंग यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप फीलिंग आपको देता है, चाहे वो आप बैक साइड में रेस्ट के लिए देख लीजिए, चाहे आप अपना सिटिंग पोस्चर इसको देख लीजिए। इनकी जो कंफर्ट है वो बहुत ही अलग लेवल पे होती है। बट इसका हमेशा आप ये याद रखिएगा कि इसकी जो कुशनिंग है वो 40 डेंसिटी की हम लोग काम में लेते हैं। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑफिस के लिए जो हमारे पास में फर्नीचर अवेलेबल है। ये हमारे पास में आपका काउंटर, रेडीमेड काउंटर। आज के टाइम पे एक्चुअल में होता क्या है कि ऑफिस जो है उसकी प्लानिंग कई बार बहुत जल्दी सी होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग कारपेंटर से बनवाना, फिर कई चीज़ें होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। ऐसी सिचुएशन में आज के टाइम पे ऑफिस फर्नीचर रेडीमेड बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब ये जो टेबल हमारे पास में बनी हुई है ये कम्प्लीट प्लाई की बनी हुई है, इसके ऊपर आपको सनमाइका लगी हुई है, ये दो कलर है। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी एसेसरीज डाली गई है कि आप ऑफिस के अंदर ये काउंटर लगाते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर रखते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपको वायरिंग का इशू होता है तो हमने दोनों तरफ इसके अंदर इस तरह की ये बॉक्स बना रखे हैं जिनके अंदर आप अपने कंप्यूटर के, प्रिंटर के, किसी के भी वायर ले सकते हो। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड है जो जिसमें आपका कंप्यूटर जिस साइड कंफर्टेबल होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बॉस चेयर दिखाना चाहूँगा। ये जो बॉस चेयर है इस चेयर में बैक साइड बैक जो है आपकी उसका कंफर्ट का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि एक्चुअल में होता ये है कि हम हमारे ऑफिस के अंदर बॉस चेयर जो होती है उस पर बैठने वाला व्यक्ति कम से कम 8-8 घंटे तक कंटिन्यूसली उसकी सिटिंग देता है। अब ऐसी सिटिंग के अंदर उसका जो बैक पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे मेरे बैठने के बाद में ये जो बैक पोस्चर इससे इसका जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है और मैं इसको कम से कम भी 5 से 7-8 घंटे तक कंटिन्यूसली बैठ सकता हूँ। तो हमारी जितनी भी बॉस चेयर है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे आपको कलर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं ये एक जैसे ब्लैक कलर है। ये हमारा दूसरा काउंटर है ऑफिस के लिए, ये भी एल शेप के अंदर है। इसके अंदर भी वही आपका कंप्यूटर के लिए वायरिंग अवेलेबल है। इसके अलावा इसके अंदर एक सेंटर थोड़ा सा आपका लुकिंग इनहेंस करने के लिए हम लोगों ने एक ब्लैक लेकर ग्लास डाला है। इसके अलावा ये आप एक चेरी कलर के अंदर ऑफिस चेयर देखें, ये बहुत अच्छे फैब्रिक के साथ में बनी हुई है और इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और ये जो इसकी सिटिंग पोस्चर है, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पोस्चर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। जब भी आप हमारे यहाँ स्टोर पर आएँ तो आप इनको बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि वाकई में बहुत ज़ोरदार है। ये कुछ चेयर्स हैं। इसके अलावा बाद में एक आज के टाइम पे अपने पास में ये होता है कि अपने घर के रूम जो हैं, पहले रूम की साइज़ होती थी 10x12, आज के टाइम पे आपके घरों के जो रूम हैं उनकी साइज़ होती है 15x16, 15x18। तो ऐसे में होता ये है कि आपके रूम के अंदर एक कोना छूट जाता है जो आपको ऐसा लगता है कि ये खाली खाली है, वहाँ पर लगाने के लिए हमने इस तरह की एक सिंगल चेयर, ये सिंगल चेयर आप अपने रूम के किसी भी पोर्शन के अंदर, ये बहुत मल्टी कलर में आती, किसी भी एक कोना है जिसके अंदर आपको लगता है कि ये स्पेस हमारा काम नहीं आ रहा है और बहुत ही खालीपन महसूस है, वहाँ पे आप इन चेयर्स को रख सकते हो। ये इस तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो फैब्रिक है ये कम्प्लीट वेलवेट है, वेलवेट में बैक साइड है, इसमें आपके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टिचेज लगे हुए हैं और इनकी जो लेग है वो वुड की बनी हुई है। ये जो नीचे इनका पोस्चर स्टैंड जो है कंप्लीट वो वुड का बना हुआ है। ये इसमें हमारे पास में मल्टी कलर है। इसमें फिर मैं आपको एक छोटा सा एक रूम की कॉर्नर चेयर और दिखाना चाहूँगा। एक ये चेयर हमारे पास में, या आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर के अंदर आपको लगता है ये कॉर्नर हमारा खाली है उस कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं। ये रिवॉल्विंग है और इसका जो नीचे का बेस है वो गोल्डन कलर में आपको अवेलेबल होगा। ये इसका बेस जो बना हुआ है ये गोल्डन कलर के अंदर आपके पास में रहेगा। ये एक चेयर है। उसके बाद में अगर मैं आपके पास में एक आपके घर का जैसे हॉल है, हॉल में कोई खाली जगह है उसको अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी इन्हेंस करना चाह रहे हो, थोड़ा सा ब्यूटी बढ़ाना चाह रहे हो, उसके लिए मैं आपको एक कंसोल दिखाना चाहूँगा। ये हमारा इम्पोर्टेड कंसोल है।
इसके ऊपर का जो टॉप है ये गोल्ड का, सॉरी माफ़ कीजिए, ये स्टोन का बना हुआ है, और इसके नीचे जो है वो रोज़ गोल्ड के अंदर आपको इसकी फ्रेम है। इसका जो यूज़ है, जनरली लोग बाग इसके ऊपर पॉट वगैरह रख देते हैं, या फिर किसी प्रकार की कुछ भी डिज़ाइन की भी कोई भी चीज़ है वो रखी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप इसको घर के ऐसे कोने में रखते हो जहाँ पे घर में एंट्रेंस होते हैं, आपको की रखनी है, मोबाइल रखना है, या फिर अपना लैपटॉप रखना है, ऐसी चीज़ों के लिए जनरली इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ।